गुड इवनिंग गाइस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है बरमूडा ट्रायंगल, एक ऐसा रहस्यमय स्थान पृथ्वी पर जिसके बारे में बहुत सी रहस्य, बहुत सी कहानियां बताई गई है, लेकिन आज तक जो है ये सुलझा नहीं है। इसके बारे में कोई भी प्रमाण जो है आज तक मिला नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी पर ऐसी बहुत से स्थान है जिसके बारे में मानव अभी तक जान नहीं पाया है। मानव जो है अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिसके दम पर ये कहा गया है कि मानव जो है धरती पर बहुत विशेष कार्य करने में योग्य हो गया है। ये टाइम था जब अर्थ के जो है डायनासोर का साम्राज्य होता था। डायनासोर का साम्राज्य देखते ही देखते विलुप्त हो गया। मानव ने जब से पृथ्वी पर स्टार्ट किया है रहना उसके जन्म के बाद, तो धीरे धीरे मानव ने अपना जो ज्ञान के दम पर है वो ऐसा कार्य हासिल किया जिसके बारे में कोई भी जीव अभी तक ऐसा पहुंच नहीं पाया था। एक जीव सुनने में आ रहा है कि मानव से जो ज़्यादा ज्ञानवान है वो है एलियंस। तो इस स्टोरी में हम मानव और एलियंस की बात करेंगे और पृथ्वी के ऐसे ऐसे स्थानों की बात करेंगे जो कि अभी रहस्यमय ही है। 21वीं शताब्दी में भी मानव कुछ ऐसे स्थान है जिनके बारे में अभी तक विशेष नहीं जानता। ये वर्ल्ड फेमस मिस्टीरियस प्लेस है, रहस्यमय स्थान है पृथ्वी के। बरमूडा ट्रायंगल का उसका नाम बहुत ज़्यादा आता है। ड्रैगन सी जो है वो जापान के अंदर है। ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला, आपने सुना होगा कि ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट, लेकिन ये जो पिरामिड है ये चोलुला में है जो मेक्सिको के अंदर है। ब्लड फॉल्स, कैनो क्रिस्टल्स, म्यूजिकल पिलर ऑफ विटाला टेंपल, ये जो स्थान है म्यूजिकल पिलर्स ऑफ विटाला टेंपल्स ये इंडिया के अंदर है। जोन ऑफ साइलेंस, जैकब्स वेल, डेड सी, द नाजका लाइंस, और भी इसके अलावा बहुत से ऐसे स्थान है पृथ्वी पर जिनके बारे में अभी तक मानव को कोई विशेष जानकारी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं बरमूडा ट्रायंगल। क्या है ये बरमूडा ट्रायंगल? बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा स्थान है जहां से आज तक कोई भी समुद्री जहाज, कोई भी वायुयान जो है वो वापस नहीं आया है। इसको जो है, इस जो स्थान को ये कहा जाता है कि इस स्थान पर जाने का अर्थ है मौत को गले लगाना, या हम कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर गया है वो आज तक जिंदा वापस नहीं आया है। इसीलिए इतना रहस्यमय स्थान है। तो अगर हम ज्योग्राफिकल इसकी लोकेशन देखते हैं तो बरमूडा जो ट्रायंगल है वो अटलांटिक ओशियन में है, अटलांटिक महासागर में है, और इसके एक तरफ जो है वो यूरोप लगता है और एक तरफ जो है वो नॉर्थ अमेरिका लगता है। विश्व का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशियन रूट है। अगर सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग की बात करें तो इसी स्थान से जो है समुद्री मार्ग जो है सबसे ज़्यादा जो है व्यस्तम है। ज्योग्राफिकल लोकेशन में अगर हम देखें तो जो नॉर्थ साइड है वहाँ बरमूडा है, यहाँ जो है जो इसके वेस्टर्न साइड है वो फ्लोरिडा स्थान है, और अगर हम ईस्टर्न साइड देखते हैं तो ये प्यूरिटिका प्लेस है। प्यूरिटिको जो प्लेस है ये ईस्टर्न साइड में है। सबसे पहले बरमूडा ट्रायंगल के बारे में अगर विश्व को बताया था तो वो कोलंबस थे। कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी। उस समय कोलंबस की किस्मत अच्छी लगा लीजिए या कोलंबस का समझ और ज्ञान लगा लीजिए कि वो बच गया था। इस स्थान के जब आसपास से कोलंबस गुजर रहा था तो उसको ऐसी ऐसी घटनाएं दिखाई दी जैसे कि अंधकार हो गया, कुछ अजीबोगरीब जो घटनाएं हो गई, तो कोलंबस ने अपना जो है वो मार्ग बदल लिया था। तो अब तब उसने बताया कि अटलांटिक ओशियन के अंदर एक खतरनाक स्थान है। तो ये सबसे पहले जो है कोलंबस के द्वारा जो है वो अमेरिका जाते समय 1492 के अंदर ये बात पता चली थी। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले है जो विश्व में कौन से जहाज के बारे में डूबने का पता चलता है तो वो है दी मेरी क्लेस्टे। 5 नवंबर 1872 में न्यूयॉर्क जिनेवा के लिए जो था वो जो जहाज है वो पहले ऑफिशियली रूप से पहला ऐसा जहाज था जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर समा गया। वैसे देखिए काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय स्थान है, हम फाइनल रूप से नहीं कह सकते कि कौन सा जहाज है वो सबसे पहले डूबा था, क्योंकि ऐसा स्थान है जहाँ से कोई वापस ही नहीं आया। आप बहुत से वीडियो इसके बारे में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबकी वीडियो में अलग अलग बातें हैं, और एक दो वीडियो में ऐसा भी मिलेगा कि एक व्यक्ति के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा है कि मैं बरमूडा ट्रायंगल से वापस आ गया हूँ बचकर। तो उसके दो कारण मैं आपके सामने बताता हूँ। जो पहला कारण है वो ये है
कि उसको जो है वो क्लियरिटी नहीं है कि उसमें वो बचा है इस ट्रायंगल से, कैसे बचा है, क्योंकि उसको उस समय होश नहीं था। उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि मुझे पता नहीं क्या हुआ लेकिन मैं वापस बचकर आ गया। पर्टिकुलर ये नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या क्या घटना हुई, या हो सकता है कि वो लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने जो है वो ट्रूथ का सहारा नहीं लिया, यानी कि जो है ये फेक न्यूज थी। इन्हीं दो ऑप्शन में है, यानी कि ये क्लियर बात है कि दोनों एविडेंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर सच्चाई है तो भी और अगर झूठ है तो भी इस स्थान के बारे में अभी तक मानव को पता नहीं लगा है। आने वाले समय में जो है वो रिसर्च के बारे में बताया जाएगा। तो जो आज की वीडियो है उसके अंदर मैंने न्यूज़पेपर्स का सहारा लिया है, मैगजीन का सहारा लिया है, वीडियो का सहारा लिया है और एनसाइक्लोपीडिया का भी सहारा लिया है और ज्योग्राफिकल जो है उसके अंदर भी मैंने इवेंट को इसमें ऐड किया है। तो इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं कि ये खतरनाक है। सबसे पहले है एलियन थ्योरी। यहाँ पर साइंटिस्ट का मानना है कि ये ऐसा स्थान है जहाँ पर एलियंस आते हैं और एलियंस पृथ्वी के बारे में जानने के लिए, या अपना एक ऐसा स्थान जो है पृथ्वी पर जिसके बारे में अपना सुरक्षित स्थान या मानव के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा स्थान है वो निर्धारित कर रखा है और इस क्षेत्र के अंदर आने नहीं देते। एक विशेषता और है इस क्षेत्र की कि यहाँ पर कोई भी रडार या कोई भी नेविगेशन सिस्टम भी जो है वो काम नहीं करता, कि आपके पास सिग्नल जो है वो फेल हो जाता है, पता नहीं चलता कि कौन से एरिया में क्या है और कौन सा सिग्नल के कारण ये पता ही नहीं चलता कि कौन से एरिया में क्या समस्या है। जो एलियन थ्योरी है वो एलियंस के बारे में पिछले कुछ दिनों में हम पढ़ रहे हैं कि हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने एलियन के साथ डेट पर गई थी, ये बात भी हम बता नहीं सकते कि कितनी सच्चाई है या नहीं है। एलियंस के बारे में अक्सर आता रहता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो है वो कैप्चर हुआ था कि अर्थ पे एलियंस है, कुछ मूवीज़ भी बनी है, ऋतिक रोशन की जो मूवी है उसके अंदर भी जो है इसके बारे में जिक्र किया गया है और एलियंस को काफ़ी ज़्यादा जो है बुद्धिमान जीव जो है वो माना जाता है। तो ये माना जाता है कि एलियंस यहाँ पर आने जाते हैं। और सेकेंड जो है हेक्सागोनल क्लाउड्स, कि ऐसे क्लाउड बनते हैं जो कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि यहाँ से जो है कोई भी समुद्री जहाज या प्लेन का वापस आना मुश्किल हो जाता है। एक और बात अगर हम करते हैं तो वो यही है कि मीथेन गैस जो है, वोल्केनो इरप्शन जब होता है तो मीथेन गैस रिलीज होती है और मीथेन गैस जब होती है तो पानी की डेंसिटी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम कर देती है, ये कारण भी माना जाता है। और अगर हम एक भारतीय धार्मिक जीवनदंती या भारतीय धार्मिकता के बारे में बात करें तो हनुमान जी जो है रामायण में बताया गया है कि एक सुरसा राक्षसी थी, उसके मुंह में चले गए थे, तो ऐसा माना जाता है कि सुरसा राक्षसी जो है उसकी कब्र जो है अटलांटिक ओशियन में है और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी और होने के कारण ये माना जाता है कि आज भी वो नेगेटिविटी को कर रहा है इफेक्ट, जिसके कारण यहाँ से कोई भी चीज़ जो बच कर नहीं आ जा सकती। लेकिन फिर भी अब मैं यही कहूँगा कि हम क्लियर रूप से ये कुछ भी नहीं बता सकते कि यहाँ पर वाक्य में क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस चीज़ का क्या रहस्य है, क्या यहाँ पर एलियंस है, क्या यहाँ एक्सागोनल क्लाउड्स है, क्या यहाँ मीथेन गैस है या कोई और कारण है, ये आने वाले समय में ही इसके बारे में हम बता पाएगा। लेकिन ये क्लियर है कि अभी तक यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जो बरमूडा ट्रायंगल है वो अटलांटिक ओशियन में एक रहस्यमय स्थान है। आप जो मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आप लाइक्स करते रहिए, आप वीडियो को फुल देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप हमारे को सजेशन देते रहिए ताकि नेक्स्ट टाइम में हम अपनी वीडियोज़ को और बेहतर कर सकें। थैंक्स।